हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल 2 मिनट में अपने फ़ोन पे पर आप दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, तो इस वीडियो में बने रहना है। तो चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल कर लेना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर फ़ोन पे यूज करते हैं तो आप फ़ोन पे पर दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली से आपको अपने फ़ोन पे को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको फाइनली नीचे आपको बहुत सारा ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है माई मनी, माई मनी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप माई मनी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट्स का एक होम आ जाता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है, उसके होम के अंदर आपको ऑप्शन शो कर रहा है बैंक अकाउंट्स। तो सिंपली से आपको इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका फ़ोनपे में पहले जो आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, यहाँ पर मेरा अभी एक ही बैंक अकाउंट ऐड है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कैसे कर सकते हैं। तो दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप फ़ोन पे जिस नंबर से ओपन किए उसी नंबर से आपका दूसरा बैंक अकाउंट का मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका होने वाला है। तो दोस्तों, आपको सिंपली से नीचे आ जाना और बैंक अकाउंट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैंक है, यहाँ पर आपको सर्च पर आपको डायरेक्टली आ जाना है। और सर्च पर आपको क्लिक करके डायरेक्टली आपको चेक कर लेना। तो यहाँ पर मेरा आ गया एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंडिंग अकाउंट लिंक विथ मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मेरा आ गया है। और यहाँ पर आपको रिसेट पिन का ऑप्शन मिल जाता है जो आप फ़ोनपे में लगाए हुए रहते हैं, तो उससे आप चाहे तो रिसेट पिन भी कर सकते हैं और नहीं भी चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना करने के बाद आपको डन वाले ऑप्शन पर आपको कर देना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा दूसरा बैंक अकाउंट ऐड हो गया है। बिल्कुल आसानी से आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। और अगर आप चाहे ऐड करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल करना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में।